हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुंदन का नेकलेस बनाया है एक, इसको मैंने कनेक्टर के तौर पे यूज़ किया। कुंदन को बैक मीनाकारी है, इस कुंदन में बैक मीनाकारी वाले कुंदन यूज़ किए मैंने। मोस्टली मैंने जितने भी कुंदन के नेकलेस बनाए हैं सभी में मैंने गेयर वायर का यूज़ किया था, बट फर्स्ट टाइम मैं थ्रेड का यूज़ कर बना रही हूँ। थ्रेड के यूज़ से भी मैंने एक नोट की थी, थ्रेड के यूज़ से भी बहुत अच्छा गियर बनता है। जैसे गियर वायर हमारी खड़ा खड़ा रहता है नेकलेस, बट इसमें थोड़ा स्मूथ हो जाता है नेकलेस। हम थ्रेड यूज़ करते हैं तो स्मूथ वे में आ जाता है। अब मैंने 4 mm के वाइट पर्ल ले लिए हैं, ये मैंने 30 डाले हैं, एक साइड में 30 डाल लिए हैं अब हमने। और ये मैंने ले लिया ड्रॉप शेप का मीनाकारी वाला कुंदन। ड्रॉप शेप का जो मीनाकारी वाला कुंदन है, इसका जो मैंने ड्रॉप के जो कॉर्नर होता है वो मैंने ऊपर कर दिया है, ऊपर की साइड यूज़ किया है। उस कॉर्नर से मैंने थ्रेड को पास कर दिया है और दूसरी साइड भी 4 mm के 30 बीट्स लगा रहे हैं हम। ठीक है, 4 mm के 30 बीट्स लगा लेंगे, फिर एंड में हम वैसे ही कुंदन जैसे हमने कनेक्टर के तौर पर यूज़ किया था इसको भी ऐसे करेंगे। इसमें से इसके होल में से हमने पास करनी है, एक होल छोड़कर दूसरे होल में से पास करनी है। इसको टेढ़ा लेके जाना है हमने तो बहुत अच्छी नोट लग जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अच्छे से नोट लग जाएगी आपकी। वैसे तो मुझे ये नेकलेस वाइट बीट्स में ही बहुत अच्छे लुक दे रहा था, मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने इसके थ्रेड में से बीट्स को बैक कर लिया है, हम कट कर लेते हैं। वैसे ही देखिए, आप देखेंगे तो ये वाइट बीट्स में ही बहुत प्यारी लुक दे रहा है, बट इसमें थोड़ा सा और मैंने चेंज कर दे जिससे कि और ज़्यादा इसकी लुक बहुत ज़्यादा सुंदर आ गई थी। आप भी कमेंट करके बताइएगा जल्दी से मुझे, आप लोगों को इसकी लुक दोनों में से कौन सी वाली अच्छी लगी, वाइट बीट्स के साथ या मल्टी कलर के बीट्स के साथ। अब मैंने मल्टी कलर्स के बीट्स लिए हैं, ये मैंने आई पिन यूज़ किया है इसमें। आई पिन का मैं एक वन बाय वन कर इसकी बीट चैन बना दी है। सब आई पिन के साथ मैंने 8 mm का ये बीट है मेरा, ग्लास बीट है 8 mm का, और इन सब में मैंने 12 बीट्स डाले हैं। 12 बीट की ये बीट चैन है और ऊपर जो मैंने बीट्स डाले हैं वो वन साइड में 30 बीट्स हैं हमारे 4 mm के, और ये बीट्स हमारे 8 mm के ग्लास बीट्स हैं ये। और सभी को मैंने आई पिन में अटैच किया है, आई पिन के लूप्स बना सकते हैं हम साइड में। और जब मैंने इसको हमारे कनेक्टर वाले कुंदन में यूज़ किया है तब आई पिन को ओपन करके उससे अटैच कर दिया है, बहुत ईजिली अटैच हो जाता है ये। इसी तरह हम जो है हमारे ड्रॉप शेप वाले कुंदन में भी इसको अटैच करेंगे, बट इस टाइम हम जब अटैच करेंगे तो नीचे के दो होल छोड़ देंगे। ये देखिए, इसके नीचे मैं दो होल छोड़ूंगी और फिर उसके ऊपर वाले होल में मैं लगाने जा रही हूँ। ऊपर से भी दो होल छोड़े हैं मैंने और नीचे से भी दो होल को मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद मैंने इसमें आई पिन को अटैच किया है बीट्स के साथ। अब दूसरी साइड भी हम ऐसे ही सेम प्रोसीजर अपना लेंगे। आई पिन की हेल्प से कनेक्टर से पहले इसको कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए, इसको कनेक्टर के साथ कनेक्ट हो गया, कनेक्टर के साथ हमारा जो हमने कनेक्टर जो हमने बनाया है वो हमने बनाया है अपने कुंदन का, मीनाकारी कुंदन का यूज़ कर लिया है। वहाँ पर हमने सिर्फ एक मीनाकारी यूज़ किया है मैंने कुंदन ओवल शेप का, दोनों साइड में जो हमारा कनेक्टर के तौर पे यूज़ हुए हैं। दो हमारे मीनाकारी कुंदन यूज़ हुए हैं ओवल शेप के, एक हमारा यूज़ हुआ है ड्रॉप शेप का। देखिए, यहाँ पे मैंने दो लूप छोड़ दो होल छोड़ दिए, उसके बाद मैंने जो इसका लूप बनाया है ईयर पिन का वो अटैच किया है ड्रॉप शेप वाले कुंदन में। ये तो हमारा इतना प्रोसीजर हो चुका है। अब इसके आगे भी मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, इसके नीचे मैंने ये आता है हमारा एक फ्लैट वाला होता है ये कुंदन, इसके ऊपर भी एक लूप बना होता है, नीचे भी 3 लूप होते हैं जिससे आप हैंगिंग वगैरह कर सकते हैं, लॉरियल की बीड्स की हैंगिंग इजीली कर सकते हैं उसमें आप। मैंने इसको फर्स्टली अपने ड्रॉप शेप वाले कुंदन में अटैच कर दिया है। देखिए, इसको ड्रॉप शेप वाले कुंदन में अटैच कर दिया हमने जंप रिंग की हेल्प से। अब इसमें मैं वाइट लॉरियल डालूँगी। जंप रिंग्स मैंने ले ली हैं, जंप रिंग ले ली हैं हमने। अब क्या किया हमने, फर्स्ट वाले लूप में से निकाला, इसके 3 लूप हैं नीचे, फर्स्ट वाले लूप में निकाला और इसमें लॉरियल डाले हैं वाइट वाले 8। मैंने 8 डाले हैं इसमें लॉरियल, और 8 लॉरियल डालने के बाद हम जंप रिंग को अच्छे से सिक्योर कर देंगे, अपने बंद कर देंगे। ये हमारे 8 डल गए हैं, इसको बंद कर दिया हमने।
लोरियल को पकड़ के रखिएगा कसकर, उसके बाद इसको हम बंद करेंगे ताकि लोरियल हमारे निकले नहीं। फर्स्ट में लूप में चला गया, अब ये हमारा सेकंड लूप आ गया है। अब इस सेकंड लूप में भी हमने 8 लोरियल ही डाले हैं। लोरियल का मैंने सब में सेम ही रखा है, तीनों के तीनों लूप्स में मैंने 8 लोरियल ही डाले हैं कि हमारे लोरियल डल गए हैं। इसके बाद हम फिर से जंप रिंग को सिक्योर कर लेंगे अपनी, अच्छे से बंद कर दीजिए। अब हम थर्ड वाले लूप पे चलेंगे, जंप रिंग को ओपन कर रहे हैं और ये हमारे थर्ड वाले लूप में लगा दिया है और इसमें हमने डाल दिए हैं लोरियल। गाइस जैसे मैंने इसकी बीट चैन बनाई है कि जो हमारे ई पिन आई पिन होती है उसकी हेल्प से, आप चाहें तो इसको सीधा थ्रेड से या गेयर वायर से भी सीधी ही आप लगा सकते हैं बीड्स को, बट इसमें बीड्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जैसे कि मेरा चैन बनाने के बाद मेरा 12 बीड्स यूज़ हुए हैं, तो इसमें आप 15 बीड्स लगा सकते हैं। ये हमने जंप रिंग अटैच कर ली थी कुंदन के साथ। अब हम लगाने जा रहे हैं हमारी बैक डोरी, जो नेकलेस की हमारी बैक डोरी होती है हम वो यूज़ कर रहे हैं, उसको लगाएंगे। इसके साइड में हमारे लूपस्टर लगे रहते हैं, विदाउट लूपस्टर भी आता है जिसमें सिर्फ थ्रेड को ही थ्रेड ही कर दिया जाता है, जिसके अंदर हम वो जो होते हैं हमारे जंप रिंग होते हैं ना उससे हम इसको अटैच कर देते हैं, बट इसमें हमने पहले से ही हमारे कनेक्ट थे। अब इसकी आप डमी लुक देख रहे हैं, इसकी डमी लुक में ये इतना अच्छा लग रहा था कि मैं जो सोच रही थी कि वाइट बीड में ज़्यादा अच्छा रहा, बट मल्टी कलर के बीड्स में इसकी ज़्यादा ग्रेस हो गई है और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करके बताइएगा आपको दोनों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन अच्छा लगेगा, वाइट बीड्स के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है या मल्टी कलर के बीड्स के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है।